आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ नए तरीके से पुलाव और साथ में तड़का की रेसिपी। सो हेलो एवरीवन, मम्मी की रसोई हिंदी चैनल में आप लोग का स्वागत है। अब आप लोग अलग अलग तरीके से पुलाव तड़का बनाकर खाते हैं। जब आप लोग एक बार इस रेसिपी को बनाकर ट्राई करेंगे तो मज़ा आ जाने वाला है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं, स्पेशल पुलाव तड़का की रेसिपी को। तो पहले हम ले लेंगे चने का दाल। तो हम बनाएंगे पहले तड़का को। तो चने का दाल को ले लिया है, उसको अच्छी तरीके से धो लेंगे। और धोकर क्या करेंगे, हम इसको कुकर में डाल देंगे क्योंकि हमें इसको उबालना है। तो पानी डाल देंगे, जैसे नॉर्मली दाल आप लोग बनाते हैं ना, बस आप लोग को वैसे ही कर लेना है सारा काम को। इसके बाद नमक डाल देना है और साथ में हल्दी पाउडर को डाल देना है और इसका ढक्कन लगा कर 5 से 6 सीटी तक आप लोग को छोड़ देना है गैस पर। जब 5 से 6 सीटी आ जाए तो आप लोग इसको क्या नीचे उतार कर रख लीजिएगा, पूरा सीटी को सेट हो जाने दीजिएगा। तो चलिए हम पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो एक आप कोई सा भी कप, कटोरी, ग्लास कुछ भी ले ले और उसी से आप लोग को नाप कर चावल को लेना है। तो हमने इस ग्लास से 5 ग्लास चावल यूज़ किया है, पुलाव वाला चावल है यूज़, ये बड़ा वाला लंबा लंबा सा आता है। अच्छे तरीके से धो लेंगे और हम इसको 10 मिनट तक छोड़ देंगे ऐसे ही, बट ध्यान रखिए इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो पुलाव बनाने के लिए गैस पर चढ़ा देंगे कढ़ाई को और हम इसमें डाल देंगे शुद्ध देसी घी को। घी में एक अलग ही मज़ा आता है पुलाव खाने का। तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। तो हमने लिया है काजू, साथ में किशमिश को फ्राई कर लेंगे। आप लोग इसमें अपने हिसाब से भी कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, या चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप लोग जब भी पुलाव बनाए ना तो घी में बनाए, मज़ा आता है खाने में। अब पुलाव बनाते समय जो लंबा वाला चावल आता है ना, पुलाव वाला चावल स्पेशली उसको बोलते हैं, आप लोग को वही यूज़ करना है। तो साबुत मसाला डाल देंगे। तो 2 तेज़पत्ता को डाल देंगे। पहले हमने घी को डाल दिया, घी मेल्ट हो गया तो तेज़पत्ता को डाल दिया। एक हमने बड़ी इलायची यूज़ किया है, ये सब आप लोग को यूज़ करना ही है। 3 हमने इसमें छोटी इलायची को यूज़ किया है, थोड़ा सा दालचीनी और साथ में 2 हमने लौंग यूज़ किया है। तो बस आप लोग वैसे लेकर डाल देना और साथ में जीरा को डाल देंगे। अच्छे तरीके से सबको चटका लेंगे। पुलाव बनाने में बिल्कुल भी झंझट परेशानी नहीं होता है। जब ये हो जाए तो अब हम क्या करेंगे, सारे चावल को डाल देंगे। तो लुक एट दिस, चावल में बिल्कुल भी पानी नहीं है। आप लोग को भी एकदम ऐसा ही चावल रखकर तैयार करना था। 1 से 2 बार मिला लेंगे। तो अब हम इसको बनाएंगे कुकर में। तो सारे चावल को हमने कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। 4 से 5 बार हम इसको भून लेंगे और भून कर कुकर में ही बना लेंगे। इसमें जल्दी बन जाता है और अच्छे तरीके से बन जाएगा। थोड़ा सा घी कम लगे तो डाल दीजिएगा और 4 से 5 बार आप लोग को अच्छे तरीके से मिलाकर बनाकर तैयार कर लेना है। तो अब हम डाल देंगे इसमें पानी। तो मैंने आप लोगों को क्यों बोला कि आप लोगों को नाप कर चावल लेना है, क्योंकि पानी भी नाप कर ही डालना है, नहीं तो गीला बन जाएगा। तो जिस कप से हमने 5 कप लिया है ना चावल, उसी कप से आप लोगों को 6 कप इसमें लेना है पानी को, यानी जितना चावल उतना पानी और उससे 1 कटोरी या 1 कप ज़्यादा आप लोगों को पानी यूज़ करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छे तरीके से हमने डाल दिया है सबको और एकदम परफेक्ट मात्रा है इसमें, बिल्कुल भी चावल कच्चा नहीं होगा और चावल गीला भी नहीं होगा। जब गीला होगा तो फिर पुलाव खाने का मज़ा ही नहीं आता, कच्चा होता तो फिर तो अलग ही टेस्ट आएगा। मिला लेंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स को हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद अच्छे तरीके से मिलाकर 1 हम सीटी ला देंगे। ज़्यादा सीटी आप लोगों को नहीं लाना है, तो 1 सीटी तक हम इसमें वेट करेंगे। 1 सीटी के बाद ये पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए आप लोग सीटी को, तो चलिए अब हम तड़का बनाना शुरू कर दिए। पुलाव बनकर तैयार हो गया है हमारा। तो गैस पर चढ़ा देंगे कढ़ाई को, ऑयल को डाल देंगे। तो हमने डाल दिया सरसों का ऑयल। अब इसमें फिर से खड़ा मसाला डालेंगे। तो तेज़पत्ता को डालना है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2 सूखी लाल मिर्च और साथ में जीरा को, दालचीनी को, लौंग को आप लोग को डाल देना है। वही पुलाव वाले सारे मसाले को डाल देना है आप लोग को। अच्छी तरह से सबको पका लेंगे। जब ये पक जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज को और साथ में अदरक लहसुन को हमने बारीक करके डाल दिया है। अच्छी तरह से सबको पका लेंगे। तो तड़का बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग को ज़्यादा झंझट नहीं होने वाला और ये थोड़ा अलग तरीके से बनेगा तो मज़ा आ जाएगा। तो फिर हमने इसमें टमाटर को भी डाल दिया है। टमाटर को भी अच्छी तरीके से पका लेंगे। जब सारे अच्छे तरीके से पक जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे दाल को।
तो जो हमने दाल बनाकर तैयार किया था ना, उसी दाल को लेकर डाल देंगे। तो अच्छे से आप लोगों को सीटी लगाना, नहीं तो दाल कच्चा रहेगा। तो हमारा दाल अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है, तो डाल दिया है। और ऊपर से आप लोग अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो हमने पानी भी डाल दिया है, दाल भी ऐड कर दिया। तो मसाला डाल देंगे, तो एक चम्मच डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर को, आधा चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर को, आधा चम्मच डाल देंगे काली मिर्च जीरा पाउडर को। नमक हमने नहीं डाला क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले नमक बहुत सारा डाल दिया था, तो अभी हम नमक नहीं डालेंगे। मिला लेंगे सबको अच्छे तरीके से, और साथ में धनिया पत्ता को भी डाल देंगे, इसको भी मिला लेंगे। और हम क्या करेंगे, एक से दो बाल आ जा देंगे, मिला देंगे एक से दो बाल को। जब एक से दो बाल आएगा ना, तो अलग ही फ्लेवर आएगा, आपके घर में पूरा खुशबू आने लगेगा, इतना मज़ा आएगा ना खाने के बाद। तो आप लोग एक बार पुलाव तड़का की रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो चलिए हम तड़का में तड़का लगाते हैं। तो इधर हम गैस पर चढ़ा देंगे तड़का पैन को, थोड़ा सा घी डाल देंगे, और घी में हम डाल देंगे हल्का सा जीरा को। अच्छी तरीके से घी और साथ में जीरा को चटका लेंगे, और हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तड़का में। तो तड़का में हमने तड़का लगा दिया है, मज़ा आ जाएगा खाने के बाद। तो आप लोग इस कॉम्बो रेसिपी को एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो लुक एट दिस, हमारा पुलाव बनकर तैयार हो गया, एक एक दाने खिले हुए हैं। तो इसलिए मैंने बोला पानी का मात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हमने सर्व कर लिया, तो आप लोग भी बनाइए, एंजॉय करें, बड़े छोटे को लाइक करें, कमेंट कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फीडबैक हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का पुलाव तड़का कैसा बना, और इस तरीके से सर्व करके खा लेंगे, मजा आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी।